कबीर से पूछते हैं कि भाई कबीर का कैमल राइड एक्सपीरियंस कैसा लगा। मुझे लगता नहीं कि वो दोबारा कभी करेगा। कबीर, व्हाट इज योर फीलिंग माय डार्लिंग? यू विल डू इट अगेन? यू आर नॉट स्कैर्ड? माय गॉड, आई एम सुपर स्कैर्ड मैन, इट्स सो हाई कबीर। सो गाइस, ये है जेटी पॉइंट। यहाँ से काफ़ी बोट्स चलती हैं, स्पीड बोट भी देख सकते हो आप, और नॉर्मल बोट्स भी चलती हैं। सो दिस इज प्रीटी कूल। और ये पूरा लेक का वो देख रहे हो आप, नॉर्मल बोट है, और स्पीड बोट तो बहुत ही ज़बरदस्त से जा रही थी, बट बच्चे हैं साथ में तो हम कर नहीं सकते। सो गाइस, नूर बहुत खुश है, उसको बलून मिल गया है, और यहाँ कबीर भी बहुत खुश है। दोनों बच्चों को बलून चाहिए था। बलून को पकड़ के उसने जैसे ही इस रोड पे एंटर किया, सबसे पहले बलून देखते ही शी वाज सो हैप्पी। सो गाइस, हम ले रहे हैं एक हॉर्स कार्ट राइड। ये सारे वहां नूर बैठे हुए हैं, तो वो पीछे कबीर पकड़ के बैठा है, और मेरे वेट की वजह से सारा बैलेंस बिगड़ गया है, आई थिंक सो। बट ये है लेक यहाँ पे, और हम ये भैया है, हाँ, और ये हमारा घोड़ा जो बहुत अच्छे से चल रहा है और हमें बहुत अच्छी राइड दे रहा है, बहुत मजा आ रहा है लेक साइड पे ये राइड लेते हुए। और सौरभ को यहाँ पे मिल गए हैं फुचके, और यहाँ पे है भुट्टा, जो कबीर को खाने का मन है, मुझे कुल्फी खाने का मन है, तो देखते हैं क्या। तो कबीर अभी पीने लगा है शुगर केन जूस, क्योंकि उसने एक फुचका खाया और उसकी हालत खराब हो गई, इतनी मिट्टी थी। और यहाँ पे सौरभ को बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कबीर ने फुचके खाए, स्ट्रीट फूड खा रहा है कबीर, उसने फुचका भी खाया और वो गन्ने का भी जूस पी रहा है, काम वेरी हैप्पी। और यहाँ पे आगे एक बॉम्बे की मार्केट है जहाँ पे बेसिकली सारे चाट 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 है, तो वो बहुत पॉपुलर है, बट हम वहाँ तक जा नहीं सकते, बच्चे थक गए हैं, अब हम जा रहे हैं। सो गाइस, मेन जो लेक, मतलब जो हमें बता रहे हैं वो, कि मेन यहाँ पे दो लेक्स ही हैं, एक है लेक पिचोला जिसपे हम रह रहे हैं और हमने कल जहाँ बोट राइड करी, और दूसरा है लेक फतेह सागर, जो कि ये है। इसकी ब्यूटी ये है कि एक तो बहुत बड़ी लेक है, प्लस साथ में ये जो रोड है जहाँ पे इतना लिट अप है, खाने पीने की चीज़ें हैं, हॉर्स राइड है, कैमल राइड है, हॉर्स कार्ट राइड है, जेटी पॉइंट्स हैं, गवर्नमेंट की जेटीज चलती हैं, तो इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो इट्स अ वेरी नाइस एरिया। शाम को यहाँ पे काफ़ी रश हो जाता है, तो आप यहाँ पे आके हैंग आउट कर सकते हो। अच्छा हुआ हमने कवर कर लिया लेक पिचोला के, वहाँ पे आपको ये सब नहीं मिलता है, तो अगर आपको ये सारे अट्रैक्शन देखने हैं, मस्ती करना है, तो आपको यहाँ आना पड़ेगा। हमारी कैमल राइड और जितनी भी हॉर्स राइड वगैरह जो भी एक्टिविटी करनी थी वो सब कर चुके हैं हम लोग, एंड दिस इज द नाइट सीन। इट इज फुली पैक्ड, मतलब ये जो पूरा लेक साइड वाला एरिया है, रोड है, ये फुली पैक्ड है। और आज का दिन हम एंड कर रहे हैं उदय विलास का एक वॉक अराउंड लेके। मानसिक को बहुत ज़्यादा, मतलब एक वो था कि भाई कर लें फटाफट, मतलब देख लें प्रॉपर्टी की क्या है। वी हैव हर्ड सो मच अबाउट दिस प्रॉपर्टी, और उसी में रह रहे हैं, उसी मतलब मेन होल प्रॉपर्टी में, तो व्हाई नॉट, लोग स्पेशली आके उदय विलास देख के जाते हैं। Little family, हम रात को उदय विलास का जो वॉक अराउंड है वो तो कैंसिल हो गया। हाँ। कबीर बहुत ज्यादा टायर्ड और वहाँ पे बिल्कुल उनके गेट पे ही लेट गया। हाँ। तो हमने थोड़ी बहुत सामने के ही पिक्चर्स वगैरह लिए और थोड़ा बहुत कवर किया। गाइज, लुक एट दिस, यहाँ पे रात को भी ये बोट्स चलती हैं। इस व्यू के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? मेस्मराइज, इट्स सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। हम एक्चुअली ऊपरे रेस्टोरेंट जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, और अम्ब्रे रेस्टोरेंट का भी व्यू बहुत अच्छा है, तो हमें रेकमेंड किया हमारी सब्सक्राइबर ने भी।
बट प्रॉब्लम ये है कि वो बता रहे हैं कि इस टाइम पे उदयपुर में बहुत रश हुआ हुआ है छुट्टियों की वजह से. ऑलरेडी हमने देखा फतेह सागर लेक से कितना ट्रैफिक जैम था, तो उन्होंने बोला कोई पॉइंट नहीं है, आपको जगह भी नहीं मिलेगी. और हमें लगा कि क्यों बच्चों को परेशान करना है, तो वापस आ गए हैं. और अब यहाँ पे बस व्यू भी रात का देख लिया जो मेरा देखना रह गया था. अब बस वापस होटल चलते हैं, चिल करते हैं और कल निकलते हैं, पैकिंग भी करते हैं. मेरे बच्चे सो रहे हैं दोनों, वो भी कह रहे हैं बेड चाहिए, ये भी कह रही है बेड चाहिए. अभी 7:30 बजे. ज्यादा खो गया थोड़ा. बच्चों ने डिसाइड किया कि अपनी पूरी थकान निकालनी है. और जब से मैं नूर को लाया हूँ, कबीर तो कल रात से सो रहा है, बट जब से मैं नूर को लाया हूँ तब से वो भी नैप ले रही है. अच्छा, तो मानसी इसी टाइम का फ़ायदा उठाते हुए हम काम डिवाइड कर रहे हैं. मानसी गई हुई है ब्रेकफास्ट पे और मैं यहाँ पे जो मानसी ने कपड़े वगैरह समेट के रखे हुए हैं वो मैं पैकिंग शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है कि पैकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा. एक बार बच्चे जब उठ जाएंगे तो काफ़ी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, तो फटाफट पैकिंग कर लेते हैं पहले. एंड इन द मीन टाइम अगर ये लोग उठ गए तो मैं इनको ब्रेकफास्ट के लिए ले जाऊंगा. नूर 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 कबीर फॉर व्हाट गुड मॉर्निंग. इट्स अर्ली इन द मॉर्निंग, यू बीन स्लीपिंग फॉर क्वाइट अ व्हाइल नाउ. डोंट यू वांट टू गेट अप? नो, योर मम्मा हैज लेफ्ट अस. वेयर? शी हैज पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट. वी हैव टू गो एंड फाइंड हर. वी कांट फाइंड हर. We have to go at 12 o'clock in the afternoon. Sorry? We have to go at 12 o'clock in the afternoon. 12 o'clock in the afternoon? But Mama is not here. Can you not see? She's in the bathroom. Hmm? She's not. You can go and check yourself. Quickly. We have to find Mama. She's not here, is she? Now what do you have to say? She is not here. You think she is inside the almirah? Yeah. Is that what you think? And she is not outside also. I told you. Kabir, we have a mission today. We have to find Mama. Are you ready for the mission? कबीर नूर आप रुको बोला. कबीर आ जाओ वापस. आजकल के बच्चे टेक्नोलॉजी समझने लग गए हैं और इतना स्मार्ट हो गए हैं. ये नहीं कि बहला फुसला के जो मैं बोल रहा हूँ बाहर ढूंढने चले जाए वो नहीं करेगा. बंदा ना अपना आईपैड लेके कॉल कर रहा है मम्मा को कि वो मम्मा उठा ले किसी तरह. दैट्स वेरी स्मार्ट कबीर, बट दैट्स वेरी लेजी ऑल्सो. लेट्स गो एंड फाइंड हर. नो, हाँ जल्दी पहनो जीता. चलो कबीर, दोनों ने बहुत ज्यादा तुम्हें ढूंढा. मम्मा आराम से बैठ के अपनी फेवरेट चीज करी थी. मुझे अकेले ब्रेकफास्ट करने को मिल जाए वेकेशन पे, दैट इज माय लाइक होता है ना हाई मूवमेंट, वैसा होता है. तुम्हें अकेले क्या मतलब, कोई भी टाइम अकेले नहीं मिल पाता घर पे तो. वो तो ब्रेकफास्ट
मुझे लाइक आई रियली इन्जॉय ब्रेकफास्ट बाहर आके, तो मुझे ना अकेले करना होता है, पीसफुली मैं करूँ। अभी मैं खाना ख़त्म नहीं हुआ, देखो मेरे पास नूड आ चुकी है, वो रो रहा है पीछे कि आप कहाँ चले गए थे। सो इट्स क्वाइट क्योटिक। और कबीर के साथ जो मैंने प्रैंक किया वो शुरू में तो पार्टिसिपेट कर रहा था, पर जैसे ही मानसी को उसने देखा वो रोने लग गया और अब गुस्सा होके बैठ गए पूल के सामने। चलो उनके भी अपने मजे। शुरू कर यार। ओके रेडी, थ्री टू वन। ब्लू यू आर गेट इट। आई एम येलो। वेयर इज इट? अरे नहीं, ये तो था।